नमस्ते, मैं अमोल ठोके उज्ज्वल प्राथमिक पाठशाला में आप सभी का सहर्ष स्वागत करता हूँ। बच्चों, मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूँ हिंदी व्याकरण का प्रयोजन कार्य। देखिए, ये प्रयोजन कार्य है, इसमें हिंदी व्याकरण विषय हिंदी और व्याकरण का जो भाग है वह है सर्वनाम। तो आइए देखिए, यहाँ पे हम लोगों ने बोल से अलग अलग तरीके से स्टिकर चिपकाए। यहाँ पे पहला जो है सर्वनाम, सर्वनाम की परिभाषा जो है, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग के जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं, जैसे वह, तुम, मैं, कौन आदि। और बच्चों, सर्वनाम के जो भेद होते हैं वह भेद छह होते हैं। देखिए, पहला जो भेद है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा जो भेद है निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा भेद अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा जो भेद है वह है संबंधवाचक सर्वनाम, और पांचवा जो भेद है वह है प्रश्नवाचक सर्वनाम, और आखिरी जो छठा भेद है वह है निजवाचक सर्वनाम। बच्चों, सर्वनाम के यह है छह भेद। तो आइए, पहला जो भेद है वह देखेंगे, पुरुषवाचक सर्वनाम। उसकी परिभाषा जो है वह है, जो सर्वनाम शब्द बोलने वाले, सुनने वाले तथा अन्य के लिए प्रयुक्त हो उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे मैं, आप, वह आदि। और दूसरा जो है वह है निश्चयवाचक सर्वनाम। कौन सा है? निश्चयवाचक सर्वनाम। उसकी परिभाषा देखिए, वे सर्वनाम शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु या घटना का निश्चय रूप से बोध कराते हैं उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे यह, वह आदि। बच्चों देखिए, तीसरा जो है वह है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कौन सा है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। उसमें जिन सर्वनाम शब्दों के द्वारा किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु का बोध होता है वह अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे कुछ और कोई। बच्चों देखिए, चौथा जो भेद है वह है संबंधवाचक सर्वनाम। कौन सा है? संबंधवाचक सर्वनाम। उसकी परिभाषा देखिए, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वाक्य में प्रयुक्त दूसरे सर्वनाम के साथ संबंध बताने के लिए किया जाता है उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे जैसी करनी वैसी भरनी। यह था चौथा सर्वनाम। और पांचवा जो है वह है प्रश्नवाचक सर्वनाम। कौन सा है? प्रश्नवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द प्रश्न पूछने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे कौन, किसने। यह था पांचवा सर्वनाम। और आखिरी जो है छठा सर्वनाम वह है निजवाचक सर्वनाम। उसकी परिभाषा देखिए, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग अपनेपन का बोध कराते हैं के लिए जाता है उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे स्वयं, अपने, आप। बच्चों, आज हमने देखा सर्वनाम, उसके छह भेद और छह भेद की परिभाषा और उनके उदाहरण देखे। बच्चों, आपको घर पे जाके क्या करना है, इस तरह से फाइल पर कार्डशीट पेपर लेके आपको इस तरह से स्टिकिंग वगैरह लगा के कार्डशीट आपको जिस तरह से डिजाइन वगैरह आएगी उस तरह से काट कर आपको यहाँ पे चिपकानी है। और इस तरह से सर्वनाम, सर्वनाम के छह भेद और उसकी परिभाषा और उसके उदाहरण आपको इस तरह से प्रयोजन कार्य घर पे करना है।